जब भी मैं जाने वाला था ट्रैफिक ऐसे किसी से बात नहीं करते। मेरे को लग रहा है आज इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जिस साइड से एंटर करते हैं ना ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे मेरी फ्लाइट ही नहीं मिल रही मेरे को अभी। ऐसा है देखने में, ये पुलाव है, दाल है। सो आई डिडंट नो एंड मैंने इसकी वीडियोस देखी थी एंड सो है मैं एयरपोर्ट। मेरा वेट का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, मतलब दिमाग ख़राब हो गया था एजी आई पे। तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ देख के तो मेरे को ऐसा लगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गई। अच्छा मेरा एक सूट केस एक उस पर आया बेल्ट पे, दूसरा दूसरे बेल्ट। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है क्या है 2 सितंबर और आज मेरी फ़्लाइट है वापस डबलिन की। जीजू अभी अभी हॉस्पिटल से आया, बैठे हुए हैं, जस्ट अभी आए हैं यहाँ पे। पापा पता नहीं मेरा ही कुछ सामान कर रहे हैं, मम्मी अंदर पता नहीं कहाँ पे हैं। बाहर कैब में मेरा सारा सामान रख दिया है। क्रूज़ से नहीं जा रहे, सिटी से नहीं जा रहे, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं जा रहे। और यहाँ पर आकाश अभी इस ट्रैफिक को प्यार कर रहा है, इसने सारा सामान मेरा अंदर रखा है। बस अभी टाइम हो रहा है 4, थोड़ा सा लेट लग रही है क्योंकि बारिश हो गई थी। पापा कहने जाम मिलेगा रास्ते में। पापा जाम मिलेगा रास्ते में, मिल भी सकता है पापा कह रहे हैं, और ये गुड़गांव से आते थे पहले रोज, तो शायद से मिलेगा। बाय स्टेफी, बाय जीजू, बाय आकाश, ये कैब हाँ पर रख दी। जब भी मैं जाने वाला था स्टेफी ऐसे किसी से बात नहीं करती, ज़्यादा चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है एक आध दिन पहले से। बड़ा बड़ा लगता है भाई छोड़ने में। बाय स्टेफी, बाय आकाश, बाय जीजू, बाय। टाइम हो रहा है 4:18 और बस निकल गए। अब यहाँ से कितने देर लगेगी? आराम से पहुँचे, रिकॉर्ड हो गया। और बताओ मैं जा रहा हूँ कैसा लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा। अब मेरे वाले कमरे में क्या होएगा? अच्छा नहीं रहेगा। आप तो जाती भी नहीं हो मेरे कमरे में, इसीलिए और नहीं जाती। आपने मेरा नीचे वाला कमरा भी ले रखा है, ऊपर वाला मैं जाती नहीं है। ऊपर तो मैं जाने मुश्किल कम जाती हूँ, अभी तो नहीं जाऊँगी फिलहाल। और अब आइलैंड का बारी हो बस आ रहा कब? इवाना हो रहा है 5:30 और बस T3 पहुँच गया हूँ अभी। यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ भीड़ हो रही है अभी, बस सामान निकालता हूँ अपना और अंदर जाता हूँ। हर जगह भीड़ हो रही है, गाड़ियाँ इतनी सारी हैं यहाँ पे, पता नहीं ऐसे क्या चल रहा है। अभी बस ट्रॉली निकालता हूँ, उसके अंदर अपना सामान रखता हूँ और अंदर जाता हूँ फिर। अंदर मेरे को लग रहा है आज इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जिस साइड से एंटर करते हैं ना T3 उस साइड गाड़ियों वगैरह का जाम लग रहा था अच्छे से, तो वहाँ पर भी देर लगती है। भीड़ देखो एक बार कितनी ज़्यादा हो रही है, रेलवे स्टेशन जैसा बना हुआ है T3। और अभी बस अंदर जाके देखता हूँ कितनी भीड़ है, कितने की लाइन होगी। मेरे को लग रहा है इमिग्रेशन, मतलब इमिग्रेशन में टाइम लग जाएगा और सिक्योरिटी में टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी भीड़ मैं बहुत बार आ चुका हूँ तो यहाँ पे, लेकिन इतनी भीड़ मेरे को काफ़ी कम दिख। इवाना, इवाना जहाँ देखो लोग ही लोग हैं हर जगह। यहाँ पर मम्मी पापा इवाना खड़े हैं, सामान मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, और अंदर मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और टाइम हो रहा है 5:48, मेरी फ़्लाइट है 9:05 ही, तो बस जाके ऑनलाइन चेक इन मैंने कर दिया था। गेट में जाने के लिए भी हर गेट में इतनी इतनी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। मैं सोच रहा था बीच में थोड़ी कम होएगी, और बीच में बहुत ज़्यादा लाइन है। और इवाना बस रो रही है, मैं अंदर आ गया हूँ एयरपोर्ट के, और अंदर तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही लग रहा है, पता नहीं बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों थी। और अभी इवाना बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इवाना रो रही थी, मम्मी भी रोने लगी, फिर पापा भी रोने लगे, फिर मेरे को भी थोड़ा सा रोना आ गया। अभी शांत हुई है वो जब मैं अंदर आया हूँ। मेरे को बस यहाँ पे भी देखना है मेरा गेट कौन सा है, गेट पे जाके चेक इन वगैरह करूँगा। उस वाले बोर्ड पे पता नहीं क्यों मेरी फ़्लाइट ही नहीं दिखा रहा, मतलब 7 बजे के बाद वाली एक भी फ़्लाइट नहीं दिखा रहा है, तो मेरे को दूसरे बोर्ड पर आके देखना पड़ रहा है। शायद इस पर दिखा दें, क्योंकि उस पर तो मेरे को मिली नहीं अभी तक मेरी फ़्लाइट का गेट कौन सा है, और इस पर भी नहीं दिखा रहा, सेम वही शो हो रहा है जो उस पर शो हो रहा है। मैंने दोनों जगह देख लिया, मेरे को दोनों जगह उस पर काउंटर नहीं दिखा रहा है, यहाँ वाले पे भी नहीं दिखा रहा, वहाँ वाले पे भी नहीं दिखा रहा। और अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन दिखाएं यहाँ पे, इस पर पूछ के आता हूँ फिर बताता हूँ क्या कह रहा है। तो एक चीज़ हुई मेरे साथ पहली बार कि यहाँ पर बोर्ड पर मेरी फ़्लाइट ही नहीं मिल रही मेरे को, अभी 2 बोर्ड पर देख लिया, दोनों पर नहीं है। कह रहा है उसमें कुछ ख़राबी है, तो मैंने बताया मेरी एहतियात है, तो कह रहा है के काउंटर पर जाओ,
तो अब मैं के काउंटर ढूंढता हूँ, शायद से इसके पीछे वाला है के काउंटर, वहाँ पे मेरा मतलब एतिहाद का चेक इन, तो अभी बस वहाँ पे जाता हूँ, पापा को फ़ोन करके बताता हूँ मेरा मिल गया है काउंटर। मैं के काउंटर पे भी आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को जापान एयरलाइंस दिखा रहा है, एतिहाद दिखा नहीं रहा, शायद से आगे वाला एतिहाद हो, लेकिन ऐसा मेरे को पता नहीं होता है, नहीं होता ये सिंगापुर एयरलाइंस है यहाँ पे, अगर ये जापान है तो फिर आगे वाली एतिहाद होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। हाँ एतिहाद है, मिल गया मेरे को, मेरे बोर्डिंग पास मिल गए, अभी बस जा रहा हूँ इंटरनेशनल डिपार्चर्स की साइड, इमिग्रेशन की साइड, यहाँ पे जाऊँगा और फिर दिखाता हूँ। मेरे को बोर्डिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई थी तो बोर्डिंग पास लेने में, लेकिन अब सब सॉर्ट हो गया है, तो बस अंदर जाता हूँ आराम से, थोड़ा बैठता हूँ फिर बताता हूँ। टाइम हो रहा है 7:45 और अभी मेरी वो ख़त्म हुई है सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा देर लगी क्योंकि मेरा बैग वगैरह का इशू हो गया था जो मैं बताऊँगा। अभी बस मैं ड्यूटी फ्री से गेट नंबर 1 जा रहा हूँ क्योंकि 9 बजे की फ़्लाइट है और 8 बजने ही वाले हैं और इतने बजे वो दरवाज़ा मोस्टली गेट ओपन हो ही जाता है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो फिर सोचा था कहीं रुक के कुछ खा लूँगा, लेकिन अब खाने का टाइम मिल नहीं रहा है मेरे को, नहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें हैं, अभी तो मेरे को बस लेट हो रहा है इसलिए मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, सीधे जाऊँगा और गेट नंबर 1 ही है मेरा, ये अच्छी बात है, तो सबसे पहले वही होगा, उसके बाद बैठ के वहाँ पे आराम से बात करते हैं। आज तो सही बता रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, इससे ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस मेरे एयरपोर्ट पे कभी रहा नहीं है, इतने सारे एयरपोर्ट हो आप तुम, लेकिन आज तो भाई बस दिमाग ख़राब हो गया, पूछो मत। और यहाँ पे सारी शॉप्स हैं, इन पर डिस्काउंट वगैरह हमेशा ही रहता है, मैंने आज तक किसी पर देखा नहीं क्योंकि हमेशा मैं ऐसे लेट टाइम पर आता हूँ, 500 से जल्दी आ गया हूँ देखूँ, लेकिन अभी भी टाइम नहीं मिला। एतिहाद आबू धाबी गेट 1 ओपन, 5 मिनट की वॉक है यहाँ से, मेरी एतिहाद है यस आगे से गेट 1 पर, एतिहाद से जाना है। और किसी को सिम वगैरह लेने हो तो यहाँ से एयरटेल की इंटरनेशनल रोमिंग वगैरह मिल जाती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत होती नहीं, इंटरनेशनल रोमिंग वगैरह मतलब थोड़ी ज़्यादा होती है, मेरा तो आयरिश सिम है मेरे पास, उसी को भी बैठ के रिचार्ज करवा लूँगा, बस अब जाके बैठता हूँ प्लेन में, बात करने का भी टाइम नहीं, मैं करूँगा आबू धाबी पर बात। दिल्ली ड्यूटी फ्री बहुत बड़ा है और यहाँ पर फेवरेट मेरा यही है पतंजलि, बाकी सब अपनी जगह है, पतंजलि अपनी जगह है। बस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और मैं यहाँ पे गेट पे बैठा हुआ हूँ, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे आसपास हर जगह लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनके जाते ही मैंने कैमरा निकाल लिया। टाइम हो रहा है 8:36 और 9:05 का डिपार्चर टाइम है, मेरे को लग नहीं 9:05 निकले क्योंकि अभी तो सारे लोग ही यहाँ पे बैठे हुए हैं और फ्लाइट तो शायद तो सामने ही खड़ी है, लेकिन आज तो भाई जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ है मैं बताऊँगा आराम से बैठ के आबू धाबी में बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पर बस 3-2.5 घंटे आज मेरे पास बिल्कुल मिल रहा है, वहाँ पर बैठ कर आराम से बताऊँगा बस क्या हुआ क्या नहीं कर रहे हैं इस बार। कुछ दिखाने का टाइम नहीं मिला, सीधे मैं यहीं आ गया हूँ, बस देख रहा हूँ कहाँ जाना है मेरे, चेक कर लूँ बस एक बार कि मेरे को किधर जाना है, फिर आगे बातें करता हूँ। अभी मेरे फ़्लाइट के गेट नहीं आए हैं, मतलब टर्मिनल पता है T3 से जाएगी, लेकिन अभी गेट नहीं आया है, तो तब तक मैं कोई अच्छी सी जगह देख के बैठता हूँ, आधे घंटे में गेट आ जाएगा, उसके बाद गेट के पास जाके बैठूँगा। और ये फ़्लाइट कैसी थी मैं देखो, मेरे को आइल सीट मिली थी, आइल सीट मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, साथ में बगल मेरे अंकल बैठ गए थे एक, पूरे टाइम अंदर बाहर भाई दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने, मैं एक जगह बैठे नहीं हूँ। अब बस आबू धाबी का ड्यूटी फ्री घूमूंगा थोड़ा, मतलब घूमता मैं पहले भी चुका हूँ जब कुश के साथ आया था, लेकिन टाइम इतना है बोर हो रहा हूँ और क्या ही करूँ, तो थोड़ा इधर उधर देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है। पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा बंद था, इस बार भी ये एरिया तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है बंद था थोड़ा, तो T3 की साइड जाके देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। मेरा पेट का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, अब दिमाग ख़राब हो गया था एरिया पे, तो हुआ था कि अभी जब मैं मई में वहाँ से आया था डबलिन से, जब इंडिया वापस गया था, तो मैं लेके आया था एक केबिन बैग था मेरा और एक लैपटॉप बैग था, वो अलाउड था 7 kg का केबिन बैग और
5 किलो का लैपटॉप बैग होता है जनरली हर एयरलाइंस में, ऐसे अलग अलग अलाउड होता है। मैं आज भी उसी हिसाब से मैंने पैकिंग वगैरह करके आया था, 7 किलो 5 किलो। लेकिन जब मैं पहुंचता काउंटर पे बोर्डिंग पास लेने के लिए, तब भाई मेरे से कहता है सर एक ही अलाउड है 7 kg वाला लैपटॉप बैग तो हम अलाउ नहीं करते। तो मैंने उससे बात करी कि डब्लिन से मैं आया तब भी लेके आया था वगैरह वगैरह, तो कहता नहीं सर ऐसा नहीं होता। तो थोड़ी देर उससे बातचीत करने के बाद भाई मान नहीं रहा था हमारा, तो मैंने कहा तू छोड़ तेरे से बात नहीं करने का, तो अपने किसी सीनियर को बुला के ला चाहे इतिहास सही हो। तो वो बुला के लाया, बुलाने में भी नखरे दिखा रहा सर ऐसे नहीं होता, यहाँ पे नहीं बुला सकते, मैंने कहा जल्दी बुला के ला। तो फिर वो बुला के लाया, तो मैंने उन्हें समझाया क्या क्या हुआ मेरे साथ। तब उन्होंने मेरे से कहा देखो अलाओ तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो पीछे बैग है थोड़ा बड़ा लग रहा है, किसी पतले बैग में अपना खाली लैपटॉप डाल सकते हो तो वो डाल लो। तो मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं, वो थोड़ा हेल्पफुल था। तो फिर मैंने भाई इधर उधर सामान रख के कहाँ कहाँ से पापा को बुला के सामान इधर उधर करवाया। ये देखो मेरी फ्लाइट का गेट आ गया होगा डब्लिन का, और डब्लिन 3083। तो वो भी कहने पतले से बैग में अपने खाली लैपटॉप डाल के चला गया। मैं जब मेन काउंटर पर गया तो भाई फिर से कहने लगा कि सर ऐसे अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं। मैंने कहा भाई अभी तो बात करके आया हूँ, उन्होंने तो कहा था मेरे को करने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा भाई अब क्या करूँ तू बता। तो कहता था सर एक काम करो लैपटॉप अपना हाथ में ले लो और बाकी सारा सामान इस छोटे वाले में डाल दो, इसमें जिसमें पूरा ऊपर तक भरा हुआ है इसमें कहीं जगह नहीं थी। उसने कहा इसमें डाल दो, मैंने कहा यार जगह नहीं है कैसा दूसरा कोई ऑप्शन मेरे को नहीं लग रहा। मैंने कहा उन्हें बुला के ला, कहते हैं वो चले गए यहाँ पे वो हैं। तो मैंने किसी ना किसी तरीके से ये वाला बैग का सामान भी इसमें डाला, फिट करा। वहाँ पे एक भैया थे वो बड़े हेल्प करके बंद करवा रहे थे। तो उसके बाद ही मेरे को लैपटॉप अपना हाथ में लेके, और क्या कहते हैं लैपटॉप हाथ में लिया मैंने, और पूरी फाइल जो मेरी मोटी वाली है डॉक्यूमेंट्स इसमें मेरे वो हाथ में ली मैंने। और वहाँ से फ्लाइट वगैरह में भाई बैठने में आज तो जो दिक्कत हुई है ना, अब मैंने यहाँ पे निकाल के अपना ये वाला बैग निकाला, इसमें डाला मैंने सारा सामान। अभी भी मेरे को ये नहीं पता कि ये वाला बैग मेरे को लेके जाने देंगे या नहीं लेके जाने देंगे। अगर नहीं लेके जाने देंगे तो दोबारा इसे उसमें कर दूँगा ट्रांसफ़र, अगर ले जाने देते हैं तो भाई प्लीज़ ले जाने यार क्यों कर रहे हो ऐसा, या तो पहले से बताओ कि नहीं है अलाउड, बताते भी नहीं हो यहाँ पर आके अपना दिमाग ख़राब करते हो। बहुत गुस्सा आ गया था भाई मेरे पास यहीं पर। तो अभी अबू धाबी एयरपोर्ट पर हूँ, 1.5 घंटे का मेरा लेवर है यहाँ पर, 1.5 घंटे का क्या 12-15 मिनट्स का था, 1.5 घंटे का बचा हुआ है। तो एक बार गेट के पास जाके बैठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ इधर उधर घूमना होगा तो घूम लूँगा, कुछ खाना होगा तो खा लूँगा, कॉफ़ी वगैरह पी लूँगा। और बस ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है T3 का ड्यूटी फ्री, जो पिछली बार मैंने दिखाया था ना कुछ के साथ जब आया था, जो मैं बिल्कुल ही एंड में मिला था वो वाला। अब यहाँ पर देखता हूँ कहीं ना कहीं कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लूँगा या फिर कुछ खा लूँगा, थोड़ी भूख से लगने लगी है अभी। उसके बाद मेरी फ़्लाइट है 7:45 पे, 8 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट, उसमें मैं सोऊंगा आराम से। हमने कल से सोया नहीं, मतलब 3 घंटे से आधे करके, तो अब फ्लाइट में बैठ के नींद पूरी करूँगा। भाई जो भी बोलो यहाँ का ड्यूटी फ्री बहुत पसंद है मेरे को, मतलब अलग ही लगता है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा बना रखा है इन्होंने यहाँ पर। मैं इतने सारे एयरपोर्ट्स सोया नहीं मिला मेरे को आबू धाबी जैसा कोई, कतर का भी अच्छा है लेकिन नहीं ये ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। अब भाई टर्मिनल तो ये वाला पूरा भरा हुआ है, T1 थोड़ा खाली लग रहा था, लेकिन T3 पे तो हर गेट पे भीड़ ही भीड़ दिख रही है मेरे को, यहाँ पे हर जगह लोग बैठे हुए हैं, बस मेरा दरवाज़ा थोड़ा सा खाली हो जाए भाई, मेरी फ़्लाइट हल्की से खाली हो, मेरे को विंडो सीट चेंज कर दें इसको बाद में। भाई मुझे तो पूरा एयरपोर्ट ऐसा भरा भरा सा लग रहा है, हर जगह लोग ही लोग हैं, हर जगह लोग। और अभी भी 37 में पहुँचाऊँ मैं इतने चलने के बाद, 38 तो और आगे जाके उस साइड है कहीं पे। भाई इतनी ज़्यादा भीड़ देख के तो मेरे को ऐसा लगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ। ये सारे इस साइड पूरे डब्लिन के हैं, और इस साइड के मेरे को पता नहीं मस्कट वगैरह कहाँ के, लेकिन ये तो पूरी साइड डब्लिन की है भाई देख। अभी बस यहाँ से एक चॉकलेट शेक लेता हूँ, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, गर्म तो पी नहीं रहा अभी। तो बस वेट 30 dirhams का है, तो कुछ अराउंड 8-8.5 euro के आसपास का होगा। ये रहा इसका बिल, 30 dirhams की है, और 5 मिनट्स लगेंगे अभी। भाई कुछ तो चाहिए मेरे को पीने के लिए, और बेस्ट है कुछ ठंडा पी लूँ, कोक वगैरह से गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। बस ये जल्दी से दे दे, उसके बाद मेरी बोर्डिंग भी स्टार्ट होने वाली होगी कुछ 15-20 मिनट में। और यहाँ पे मैंने पे करा अपने AIB वाले कार्ड से,
मतलब मेरे को पिन याद नहीं था, तो मैं ये सोच रहा था टैप चलेगा तो ले लूँगा, और मेरा टैप चल गया। पिन मेरे को दो पिन में डाउट है, उन दोनों में से कोई एक है, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, टैप मेरा चल गया तो बढ़िया है। बस अब यहाँ पे लेके बैठा हूँ, 5 मिनट बैठ देता हूँ फिर जाता हूँ। आपको भाई बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है, फ्लाइट में बैठते सो जाऊँगा। 8 मिनट की फ़्लाइट है, कम से कम 6 घंटे टाइम हो रहा है 1, और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बोर्डिंग की लाइन वो पीछे तक जा रही है, और मेरे को बैठने की जगह भी नहीं मिल रही, वरना बैठ जाता हूँ बोर्डिंग से पहले, लेकिन जगह मिल नहीं रही है मेरे को। फ्लाइट के पास आ गया हूँ, वहाँ पे अभी चढ़ना स्टार्ट करेंगे। दिमाग ख़राब कर देते हैं यहाँ पे इस वाले आबू धाबी एयरपोर्ट पे, हर जगह अपने बस ले आते हैं। IGI कितना ज़्यादा सही है इस मामले में, आराम से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। एक काम कर, गिरा दे मेरे को, ठीक है। ऐसे करना पड़ता है, टाइम हो रहा है 5:04, और अभी 1 घंटे की फ्लाइट और बची है। और ब्रेकफास्ट मिला है अभी, इसमें पता नहीं क्या है, पुडिंग और केक है, कोई क्रोसॉन, मैंगो योगर्ट, स्ट्रॉबेरी जैम, ऑरेंज जूस, पानी की बोतल, और एक खाना कैसा है। इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं और लैंड हुए हैं, 10 मिनट प्लेन में बैठे हुए थे फालतू में। तो मेरी इमिग्रेशन वगैरह सब पूरी हो गई है, अब बस बैगेज क्लेम से जा रहा हूँ। इमिग्रेशन में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मतलब IRP होल्डर्स के लिए अलग से लाइन बना दी थी, तो पूछ रहे थे IRP जिस उसके पास उस साइड जाकर, बाकी यूरोपियन वालों के लिए अलग होता ही है। तो मेरे को 3 सेकेंड लगे थे एग्जैक्ट, उससे टाइम नहीं लगा था, बस आगे जा रहा हूँ बैग क्लेम करूँगा। पता है वो कितनी देर लगी वहाँ पर, क्या क्या पूछा तेरे से? कुछ नहीं, बस ऑफर लेटर मांगा। इसका फर्स्ट टाइम है इसलिए बता। मेरी इमिग्रेशन भी हो गई, और इमिग्रेशन में आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि IRP ऑर्डर पहले बुला रहे थे, तो फटाफट से हो गई। बस बैग लूँगा वहाँ से, फिर डिसाइड करना है कि कैब से जाना है या फिर बस से जाना है। भाई कैब से जाएगी, बस से जाएगी, देखते हैं, फिगर आउट करते हैं। किससे जाने का, आगे मिल जाएगी या फिर यहाँ से लेके चलने हैं? तेरे से बैग नहीं संभाला जाता क्या? तेरे हाथ में खाली 2 चीज़ें दिख रही हैं मेरे को, बेल्ट, 3 पैग, हमारे लगेज वगैरह। तू गिरा, तू बेल्ट 3 पे लगेज आएगा, वहाँ पे भीड़ हो रही है। फ्लाइट सही थी, मैं तो कितना 6 घंटे सोए 8 घंटे की फ़्लाइट में, बाकी 2 घंटे बातचीत में निकल गए थे। सब कुछ बिल्कुल जल्दी जल्दी हो गया, मैं बाहर आ गया हूँ, बैग वगैरह सब ले लिया है मैंने। और बड़ी स्ट्रेंज चीज़ हुई, मेरा एक सूटकेस एक उस पर आया बेल्ट पे, दूसरे बेल्ट आया, मतलब मैं एक ही बेल्ट पे 15 मिनट वेट कर रहा था। मैं सामने वाले पे जाके देखा था, ऐसा होता नहीं है जनरली कि अलग अलग बेल्ट पे आए, लेकिन मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बैग घूमे जा रहे हैं ना, भाई कैसी अजीब बात है ये। तो बस अभी मानवी का वो है, क्या कहते हैं, ट्रिनिटी का मीट एंड ग्रीट, वो पहली बार आई है यहाँ पे, तो पूछ रही है कि ऐसा कुछ है यहाँ पे या नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरा तो था, और उसने भी कह रही है रजिस्टर तो करा, तो उसका होएगा तो ठीक है, वरना वही पॉइंट में रह रही है। तो साथ में कैब भी बस लेके जैसे भी वो निकल जाएंगे, उसका बस लेने का मन है, क्योंकि वो पहली बार आई है, कह रही है पहली बार आई हूँ तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए जाऊँगी। ऐसा कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने का, लेकिन
पहली बार आया जैसे उसका मन करे। बस अभी निकलता हूँ मैं, फ़्लाइट बढ़िया थी। अबू धाबी का जो था वो खाना ज़्यादा अच्छा था, और इस वाली में जो था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ खाने लायक था। और ये वापस आ गई, ऐसा लग रहा है कुछ है नहीं है, कुछ है नहीं है। टर्मिनल 2 पे आगे चल, आगे टर्मिनल 2। हमने डिसाइड करा कि बस से जाएंगे, और टिपिकल आयरिश वेदर है, हल्की सी ठंड हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, जैसा हमेशा रहता है वैसा ही है। मैं उम्मीद कर रहा थोड़ी बहुत धूप निकल रही होगी, समर का टाइम है, लेकिन नहीं, धूप नहीं निकल रही। और टर्मिनल 1 सीधे जाके, यहाँ से सीधे सीधे आके कैब मिल जाती है और बस से मिल जाती है, कैब पीछे से भी मिल जाती है, और बसेस वगैरह यहाँ से लेनी पड़ती हैं। टर्मिनल 1 से सीधे सीधे बाहर आके, मतलब बिल्कुल सीधे एग्जिट है, इधर उधर देखना भी नहीं पड़ता, गार्ड्स वगैरह रहते हैं, किससे पूछना है तो पूछ लो, बता देते हैं। और ऐसे यहाँ पे यूनिफॉर्म में जो खड़े हैं, ये सारे हेल्प करने के लिए खड़े हैं। मैं फाइनली बस देख जा रहा हूँ, 200 रुपये से रहे, बाकी सारे वहाँ पे हैं। और इसका फ़ोन खो गया था अभी, तो फ़ोन मिल गया तेरा, तू ये तो बता तू है कौन। अच्छा नहीं बताया? नहीं। सो आई डिडंट नो एंड मैंने इसकी वीडियोस देखी थी। अरे सो है मैं थी एयरपोर्ट एंड देन आई जस्ट वेंट अप टू हिम। कौन सा एयरपोर्ट? अबू धाबी एयरपोर्ट। यस, सब्सक्राइबर्स ऐसे खुले में घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता था। और क्षितिज हमें आते ही मिल गया था। मानवी इज़ डूइंग दिस, ऐसा उसने कहा है मेरे से। अभी बस हमारा वो था, चेक इन का टाइम था 9:30। पिछली बार जब मैं आया था सुबह 7 बजे आया था, तो इन्होंने मेरे को की दे दी थी। आज 7 बजे के बच्चे आए हुए बैठे हुए हैं, और हम कितना 8:45 पहुँच गए यहाँ पे, तब भी की नहीं दे रहे हैं, कह रहे जब रिसेप्शन खुलेगा तभी मिलेगी। तो अभी रूम जा नहीं सकते, और तो उस मैंने कहा सेंट्रा से जाके कुछ खा ही आता हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज़। सेंट्रा आ गया, वैसा का वैसे बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ है। आज रील बनाने के मूड में नहीं हूँ, आज खाली ये लूँगा और चला जाऊँगा। और दूध वगैरह मैं सोच रहा हूँ बाद में लेके आऊँ, या फिर देख लेता हूँ अभी ले लेता हूँ। मेरे को फाइनली अपना रूम मिल गया, मेरे को की मिल गई है। रूम मेरा है, नहीं रूम नंबर नहीं बता रहा, मेरा है ए ब्लॉक में टॉलका बिल्डिंग में, और प्रीमियम रूम है मेरा। रूम मैं बाद में दिखा दूँगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा